हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं ये गेहूं के आटे के बिस्कुट बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बने थे। देखना कैसे बनाए हैं, आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें। और ये मैंने रिफाइंड लिया है, ये चीनी पीस ली है इसमें 1 कटोरी, और 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी, और ये सब मैं इसमें मिला रही हूँ। ये 1 कटोरी चीनी है, ये इसको मैंने पीस लिया है, और आटा 2 कटोरी डालें, इसको अच्छे से मिक्स करके। रिफाइंड तेल, घी है तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो है, घी भी है, रिफाइंड भी है, लेकिन किसी के पास घी नहीं हुआ तो आप तेल भी डाल सकते हैं इसमें रिफाइंड का। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सूजी 1 कटोरी डालें, ज़्यादा सूजी डालने से बिस्कुट टूट जाएंगे। और 2 कटोरी आटा, बना के देखें, बहुत टेस्टी हुए थे, मैंने बनाए थे। ये हाथ से बिल्कुल ऐसे जैसे लड्डू जैसा बनता है, उसे करके मिक्स करके रिफाइंड से, फिर उसके बाद इसको और अच्छे से मिक्स कर लें। बिना हाथ लगाए तो होगा नहीं इसमें चम्मच से। फिर इसमें मैंने वो करा था, ये छोटी इलायची और थोड़े बादाम पीस लिए थे इसमें मैंने मिक्स करने के लिए। नारियल होता तो नारियल भी डालती, नारियल था नहीं घर में, जो था ये बादाम और इलायची पाउडर वो बना के डाल दिया मैंने। अब इसमें थोड़ा दूध डालूंगी, इसको जैसे रोटी बनाने के लिए बनाते हैं डो आटे का, वैसे इसको बना लें। ये डो तैयार कर दिया मैंने बिस्कुट के लिए। ये तेल रख दिया है कढ़ाई में, मैं छोटे छोटे बिस्कुट बनाते रहूंगी हाथ से ऐसी। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कोई कमी हो तो कमेंट करें। ये हाथ से ऐसी जैसे रोटी के बनाते हैं छोटी छोटी, वैसी करके मैं इसको कर रही हूँ। एक बार ट्राई करके देखें। ये चम्मच से इसमें ऐसे करूंगी तो थोड़ा डिजाइन जैसी लगेगी, अच्छे लगते हैं देखने में। ये सब बना के मैंने रख लिए हैं, इसको एक एक करके इसमें डाल के, और गैस मीडियम रखें, ज़्यादा तेज ना करें, जल जाएंगे। इसको ऐसे ही पलटते रहें बिल्कुल धीरे धीरे से, पलट पलट के, ये मैंने पलट दिया 2 बार, एक बार पलट के इसको, ये धीरे धीरे करके ऐसे पलटूंगी मैं।
ध्यान रखें, पलटते समय आराम आराम से पलटें। जल्दीबाजी करेंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आराम से चम्मच से ऐसे पलटें इसको। ये बिस्कुट बन गए हैं, दो बार पलटे मैंने इसको, और फिर अभी ऐसे करके निकाल रही हूँ बिल्कुल, और एकदम इसको ना करें ठंडे हो जाएं तब, क्योंकि एकदम ऐसे रखोगे टूट जाएंगे, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको रखें अच्छे से। दोबारा से डाल रही हूँ और मैं दोबारा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर में ही सब ये बनाने में, टाइम हुआ तो बनाने में अच्छा है, घर की चीज खाने में भी अच्छी होती है अपने हाथों से बना के। ये बिस्कुट बन के रेडी हो गए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी हुए थे, एक बार ट्राई जरूर करें, कोई कमी हो तो कमेंट द्वारा बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।